हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंचल और मेरे चैनल सीआरके रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आज मैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनाने वाली हूँ, इंस्टेंट टमाटर मटर पत्ता गोभी की रेसिपी। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही बढ़िया बनती है। सो देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। सो एक मीडियम साइज़ का मैंने कैबेज लिया है, हाफ बॉल मटर ली है, टमाटर एक मीडियम साइज़ का लिया है, एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 3 मैंने इसके लिए गार्लिक लिए हैं, और ग्रीन चिली मैंने 2 ली हैं, और रेड चिली मैंने 2 ली हैं। सो ये सब मैंने इसके लिए लिया है और इनको मैंने चॉप करके रख लिया है। सो सबसे पहले पत्ता गोभी को हम उबालेंगे। सो मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था एक भगोने में। सो 10 मिनट के लिए हमें इसे उबालना है, पर जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तभी आप इसके अंदर पत्ता गोभी डालें और फिर आप इसको 10 मिनट तक के लिए उबाल लें। पत्ता गोभी को उबाल कर ही बनाएं, ऐसे ना बनाएं क्योंकि थोड़ा खतरा रहता है इसमें। सो देखिए इस तरीके से आप उबालें। आप चाहे तो इसे कुकर में भी उबाल सकते हैं, 2 सीटी आने तक पका लें। सो देखिए इसमें अच्छा खासा उबाल आ चुका है और अच्छे तरीके से उबल चुका है, और देखिए अब ये बिल्कुल डिप हो गया है पानी के अंदर, इसका मतलब ये अच्छे तरीके से पक चुका है। मैंने इसे स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया है। सो चलिए अब इस रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। सो मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, थोड़ा सा हम इसे गर्म होने देंगे और पूरी कढ़ाई में कोटिंग कर लेंगे ऐसे हिलाकर। सो देखिए ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 1 पिंच हींग ऐड करूंगी और जीरा पाउडर भी मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून ऐड करूंगी, और मस्टर्ड सीड मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून यूज़ करूंगी। बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आता है, आप इसमें कड़ी पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं इसमें गार्लिक ऐड करूंगी और उसे थोड़ा सा रोस्ट होने दूंगी, इस तरीके से पका लें। और अब मैं इसमें अनियन डालूंगी चॉप किए हुए, सो इसे भी हम अच्छे तरीके से फ्राई होने देंगे। कड़ी पत्ते का भी इसमें फ्लेवर अच्छा आता है, आप वो भी डाल सकते हैं, और तेज पत्ता भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो देखिए इस तरीके से अब ये हो चुके हैं। अब मैं इसमें चिली जो मैंने कट करके रखी थी वो डाल दूंगी, और टमाटो विद मसाला भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा पकने देंगे, थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर दें अच्छे तरीके से। जब ये पक जाएगा तब हम डालेंगे इसमें आगे की जो सब्जी है। अब चाट मसाला मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून ऐड किया है, इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं इसको। सो देखिए ये हमारा पक चुका है मसाला। अब मैं इसमें मटर ऐड करूंगी जो कि मैंने बॉईल करके रख लिए थे। सो देखिए इस तरीके से आप इसको बना लें। और अब मैं इसमें बॉइल्ड कैबेज डाल दूंगी। मटर को आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने एक सीट मतलब कुकर में इसको 1 सीटी आने तक पका लिया था, वो वीडियो ज़रा स्किप हो गई थी। सो मैंने आपको बता रही हूँ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। सो देखिए इस तरीके से आप मसाले की कोटिंग कर दें। अब मुझे इसको लो फ्लेम पे पकाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक के लिए ही पकाना है क्योंकि सारा कुछ इसमें पका हुआ ही है, बस थोड़ा पानी हमें इसका पकाना है। सो देखिए रेसिपी मेरी रेडी हो चुकी है, 10 मिनट तक के लिए मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। वाओ, देखिए मेरी आज की रेसिपी रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनी है ये। इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगती है, बच्चे इसे बहुत शौक से खाते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत सिंपल तरीके से बनाई जाती है। सो इस तरीके से आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरीके से इंस्टेंटली ये बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही ईजी तरीके से, सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाया है। सो आप भी ज़रूर ट्राई करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस रेसिपी को बनाने में, सो आप भी इसे ज़रूर बनाएं, बहुत जल्दी बन जाती है। सो ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और अपना ध्यान रखिए।